फिलहाल शायद लतीशा आ गई है, आवाज़ तो उसकी वैन जैसी लगी मुझे। हाँ हेलो हेलो, भाग यहाँ से पागल। और बाकी अभी फिलहाल मैं भी स्कूल से जस्ट आया हूँ, चलो पहले चेंज वेंज कर लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। रॉकी खेल रहा है, रॉकी रॉकी ये इसकी प्लास्टिक थोड़ी सी दूर करके लगाओ ना तो काफ़ी तेज़ लगती है, बाकी पंप की आवाज़ आ रही है। ये देखो रॉकी को मस्त एकदम खेल रहा है मेरे साथ, मेरा प्यारा रॉकी है। और बाकी गाइस आप इसके साथ खेलने में लगे, आप में से कितने लोग डॉग लवर्स हैं मुझे कमेंट में जाकर बता देना एक बारी। बाकी मेरे को तो डॉग से बहुत प्यार है, चाहे अपना रॉकी हो चाहे कोई भी डॉग हो, गली का भी स्ट्रीट डॉग भी होगा ना तो भी मुझे बहुत प्यार है डॉग से, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है डॉग। जो भी पैसा होगा निकाल दे। डर गया, देखो भैया देख, देखो देखो रॉकी को, देखो देखो रॉकी को, दिखाओ दिखाओ। डर गया, हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। लवी की सही गुंडा कर दी है भाई, रॉकी को डराती है, हैं पुलिस पकड़ के लेके जाएगी तुझे, पुलिस पकड़ेगी, पुलिस पकड़ेगी और तेरा हाथ दबा देगी प्लीज। गाइस रॉकी को डरा दिया बेचारे को। सो हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस अभी का सीन फिलहाल ऐसा है कि आज है 19 अप्रैल, और एक चीज़ हमें बहुत दुख हो रहा है एक चीज़ का मुझको, कि पापा जी की कल पापा जी मम्मी जी की एनिवर्सरी थी बट हमको बिल्कुल याद भी नहीं रहा। और बाकी ये देखो शर्ट कितनी मस्त लग रही है, मैंने पापा जी की शर्ट डाल ली है, और बाकी ढीली ढीली भी हो रही है, थोड़ी लूज है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी लूज तो चलेगी गर्मी है, और बाकी ये हल्की शर्ट है एकदम। और ये देखो हम शादी में जा रहे हैं ना 3-4 दिन से, तो कपड़े बदल बदल कर जा रहे हैं, तो देखना ज़रा हाल इसका। ये देखो इतने सारे कपड़े टंग रहे हैं इस पर, मतलब 5 या 6 तो शर्ट हैं और 2-3 पैंट है, 3-4 पता नहीं कितनी है। और बाकी ये है हमारा कार्टून, हाय ओहो अरे बैठ रखी है चमकीली ने जिम के अंदर। हाँ देख लो, अरे यार ये तेरी जिम, ये रही, हाँ ये रही, वाओ लवी ये तो मैं ले लेता हूँ। मम्मी जी सो रही है, चल आ जा यहाँ बैठ जा, आ जा। और रॉकी कहाँ है, रॉकी ये कहाँ है, नीचे देखो नीचे देख तो रहे हैं, ये रहा रॉकी, चलो सोने देते हैं, आ जा तू आ जा यहाँ पर। तो उसके बाद जाएंगे तो शायद घूमने, और मैं और भैया जाएंगे घूमने, दीदी को भी ले चलेंगे, भैया बहुत अच्छे हैं तो मैं उनसे बोलूंगी तो वो भी ले चलेंगे। आज तो काफी गर्मी हो गई है, आपके घर पर भी गर्मी है क्या, कमेंट में जाके बताओ, कमेंट में जाके बताओ आपके आपके घर गर्मी है कि नहीं है। तो गाइस अभी मैं दीदी की सोच रही हूं। गाइस अभी ना हमारे यहाँ ना पनीर की सब्जी बनी है, मंदारे वाली रोटी, और हाँ आपको खानी है क्या, क्या आपको खानी है, और अगर खानी हुई तो खा लेना इधर आके, खा लेना इधर आके, हमारा तो घर किसी को पता ही नहीं है। पता है किनको, पता है मयंक भैया को, पता है मयंक भैया का घर तो सामने ही है। अच्छा बाबू चलो एक बात बताओ, मयंक भैया अच्छे लगते हैं आपको या मैं, आप हैं आप, और मयंक भैया अच्छे लगते हैं वीर भैया, नहीं वीर या मयंक, वीर भैया, मयंक भैया नहीं लगते अच्छे, और मयंक भैया अच्छे लगते हैं बनी, बनी मयंक भैया नहीं लगते। अगर मयंक भैया ये ब्लॉग देख रहे हैं तो एक बात बता रहा है, ये शाम को बाहर निकले था वैसे पकड़ कर रख लेना ठीक है, नहीं
और बाकी अभी तो फिलहाल नींद आ रही है, थोड़ी देर सो लेते हैं, फिर आज प्लान बना रहा हूँ मैं कहीं पर घूमने निकलेंगे ऐसे फालतू में। और क्योंकि पापा जी भी नहीं है, पापा जी की एक्टिवा घर पर है, एक्टिवा दौड़ाएंगे एकदम। ओ भाई कैसे सो रहा है, पोजीशन देखो इसकी पोजीशन। चलो थोड़ी देर सो लेते हैं और बाकी 2:30 बज रहा है। तो गाइस यार अभी मैं थोड़ी बहुत देर से सो रहा था तो अभी मुझे भूख भी लग रही थी थोड़ी सी और गर्मी भी लग रही थी काफ़ी ज़्यादा, एसी बंद कर दिया था अभी तो। अभी मैं एक चीज़ बना कर लाया हूँ अपने लिए, देखो छाछ एकदम मलाई मार के और मतलब जो भी अपना बटर, वो बटर कह रहा हूँ, बर्फ वगैरह डालकर बड़ा टेस्टी है, पुदीना वगैरह डालकर मस्त एकदम। तो ये देखो ये तो मैं अपना मठा पी रहा हूँ और बाकी ये भी अपना रख दिया है थोड़ा सा और इसे नहीं पी रहा, मेरा अच्छा नहीं है। और ये लोग तो दोनों सो रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं। चलो अभी फ़िलहाल इसे पीते हैं, उसके बाद थोड़ी देर में इसे पी कर आपसे मिलते हैं। तो गाइस अभी फ़िलहाल मैंने ये तो अपनी रख दी है यहीं पर, अभी नहीं पी रहा। और बाकी अभी फ़िलहाल मैं खा रहा हूँ अपनी कढ़ाई पनीर सब्ज़ी और नान, तो चलो खाते हैं। और बाकी मैं आज स्कूल भी यही लेकर गया था, मम्मी जी ने भेजा था स्कूल लेकर, तो चलो फिलहाल अभी इसे दोबारा से खाते हैं। मस्त बनी है वैसे सब्ज़ी, काफ़ी टेस्टी बनी है, तो देख ही सकते हो आप शक्ल बता रही है सब्ज़ी की टेस्टी। तो और वैसे भी मम्मी के हाथ का खाना तो हमेशा टेस्टी ही रहता है, तो चलो फिलहाल अभी फटाफट से खाते हैं। मम्मी के हाथ के खाने की तो बात ही अलग है, बाहर से भी टेस्टी बनाती हैं और बाहर जैसे बाजार का मिलता है उससे भी टेस्टी बनता है और काफ़ी मज़ा आ जाता है खाकर, तो फटाफट से खा लेते हैं। चलो सो गाइस अभी फिलहाल हम उठकर तो रेडी हो गए हैं और बाकी ये देख सकते हो हमारा कार्टून किसकी तरह लग रहा है आज, डोरा की तरह, डोरा दी एक्सप्लोरा की तरह लग रही है अब लिटरली। बाकी सच में इसके बाल काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही है। तो चलो फिलहाल अभी बिना किसी देरी के ब्लॉग को बिना लंबा करते हुए, सब लोग तो उठ गए हैं और बाकी ब्लॉग को बिना लंबा करते हुए चलते हैं फटाफट से हम घूमने। और बाकी मैं और लवी अकेले ही जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं और लवी जाएंगे एक्टिवा ले चलते हैं। चलो पापा जी कार से गए तो आज एक्टिवा ले चलें। अरे नौटंकी नहीं, स्क्रीनशॉट ले दिया। चलो एक्टिवा से चलते हैं। मम्मा जा रहे हैं, बाय जल्दी। हाँ हाँ चलो लवी, पापा की लवी मस्त लग रही है, शूज बना दिए मैंने इसके। चल 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 जल्दी बैठ, जा रहे मम्मा बाय। कहीं नहीं जा रहे सचमुच, देखो दवाई दिलवाने का बहाना था ये, सचमुच कहीं नहीं जा रहे। ओ भाई यहाँ तो भीड़ लग रही, कैंप लग रहा है शायद सामने। चलो फटाफट चलते हैं। गाइस अभी तक जो क्लिप्स चल रही थी वहाँ पर हम घूमने गए थे और बाकी अभी यहाँ पर मैं लेटा हुआ हूँ। आप सोच रहे होगे कि अभी तो घूमने गए थे, अब लेट कैसे गए एक टर्म से। तो गाइस मैं आपको सच बात बताऊँ तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था वहाँ पर। मैं रोड पर आगे गया, वहाँ पर मैंने एक्टिवा रोकी, मैंने लवी से कहा लवी चल उतर कर साइड चलते हैं, इतनी देर में ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया मेरा, ट्रैक्टर से ठोकर दे दी तो काफ़ी चोट लग गई है। अब मैं आपको अभी तो दिखा नहीं सकता, पट्टी वगैरह बांध रही है बट अंदर चोट मेरे काफ़ी लग गई है और जलन वगैरह मच रही है। मैं व्लॉग करने तक की हालत में नहीं हूँ बट कर रहा हूँ ये समझ लीजिए, आपको मेरी आवाज़ ही बता रही होगी। तो ये देखो कितनी सारी चोट लग रही है, तो बस ये देख सकते हो। और बाकी मैं निकर पहना हुआ हूँ, ये देखो कितनी चोट लग गई है, पूरा ऊँटा एक तरीके से नाखून वाखून सब चला गया है इसका साइड का, और घुटना पूरा छिल रहा है इसका, तो पूरा मांस आ गया है बाहर। कॉलोनी के जितने भी लोग थे जब घर पर आया था मैं, उन्हीं लोगों को मालूम है बस कि क्या हुआ है मेरे साथ, बाकी किसी को नहीं मालूम। और बाकी देखो मैं टिटनेस का इंजेक्शन लगवा के सो गया था, टिटनेस और दर्द का। तो गाइस अभी 8:30 बज रहे हैं, 8:40 हो रहे हैं। तो गाइस अभी तो फिलहाल इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। और बाकी गाइस आज मुझे पता चल रहा है सेफ गाड़ी चलाइए आप भी अगर व्हीकल चलाते हैं तो सेफ चलाइए। और मैं तो कुछ चला भी नहीं रहा था भाई, पता नहीं क्या हो गया, तो चलो कोई नहीं होता रहता है, तो इसलिए चलो अभी फ़िलहाल इस व्लॉग को करता हूँ एंड। आई होप आप सभी लोग को व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।